Hello everyone, in today's class we are going to start new chapter and it is very important from board examination point of view, alternating current. अब आपने आज से पहले भी alternating current और direct current के बारे में जरूर सुना होगा, है ना? तो चलिए पहले हम differences देख लेते हैं, क्या कर how alternating current is different from direct current. So these are few differences between alternating current and direct current. फर्स्ट डेफिनेशन बेसिस पे कर लेते हैं. एन इलेक्ट्रिक करंट हूज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली. इन वर्ड्स के ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज होता रहता है लेकिन डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होगी. ऐसे करंट को आप ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं. व्हेयरएज इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट इज मैग्नीट्यूड में चेंज, जनरली हम इसे कॉन्स्टेंट ही मानते हैं बट वो चेंज होता भी रह सकता है. जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने जो घड़ी है, घड़ी के अंदर आपने एक सेल लगा रखा है. अब जिस दिन पहली बार आप उस सेल को लगाते हैं घड़ी में, देखिए घड़ी अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती है. बट एज द टाइम पासिस, आपने कभी ऑब्जर्व किया कि घड़ी, कई बार चाहता आपको लगा कि घड़ी मेरी 5 मिनट पीछे रह गई है या 10 मिनट पीछे रह गई, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो पीछे रहना शुरू कर देती है. बिकॉज अब उसका जो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस है, इफेक्टिव जो करंट आ रहा है वो प्रॉपर वर्क डन नहीं करा रहा है. तो उस केस में उसका जो करंट निकल रहा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. तो करंट इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है लेकिन डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी. ऐसे करंट को हमने डायरेक्ट करंट कहा है. Now, अगर वो डायरेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी इन इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है. सो देयरफॉर जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि एसी पे काम करते हैं, वो मैन्युफैक्चरर कंपनी इस तरीके से डिजाइन करती है कि उसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ कोप अप करे. इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्राफ से. अब आप बोलेंगे सर आपने इस ग्राफ से इसे कैसे रिप्रेजेंट कर दिया. तो मैं आपको याद दिलाता हूं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एसी जनरेटर, और एसी जनरेटर में हमने फिर डेरिवेशन भी की थी, और वहां पर हमारे एक्सप्रेशन आए थे कि ईएमएफ को सर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी से, एंड सिमिलरली ऑल्टरनेटिंग करंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी से. याद आया ना? सो देयरफॉर साइन कर्व कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑल्टरनेटिंग करंट. अब डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो, क्योंकि वो अपनी कभी डायरेक्शन चेंज ही नहीं करता है, और इसके ग्राफ को ऐसे भी दिखा सकते हैं. इसमें मैंने दिखाया कि करंट का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है. अब यहां तक तो थ्योरेटिकली सर मुझे भी समझ में आता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट में एक्चुअली क्या हो रहा होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे चल रहे होंगे. तो चलिए इस डायग्राम की हेल्प से उसे भी समझते हैं. नाउ वी विल सी दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स मूव इन डीसी सर्किट एंड एसी सर्किट. सो आप सिर्फ लेफ्ट वाले सर्किट पर देखिए, जिसमें वी हैव कनेक्टेड अ सेल विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स. सो एज वी ऑलरेडी नो that this cell is doing some work in pushing the electrons from lower potential to higher potential. Therefore, we can see that electrons are moving from lower potential to higher potential, and current will flow from higher potential to lower potential. Whereas in AC circuit, as we knew, that polarity of the EMF and current keeps on changing. Therefore, direction of electron is also reversing. This you can see in the diagram also. And this reversal in the motion of the electron will always be taking place after regular interval of time. ये time period का भी change नहीं होता है. Clear हो गया? So this is how the electrons travel in AC circuit. And you can compare this motion of electron in AC circuit also with the motion of the particles of the medium during propagation of a longitudinal wave, which you did in your 11th and 9th standard. याद आया ना? So I hope आपको उस डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि जिस सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट चलता है या डायरेक्ट करंट चलता है उसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन किस तरीके से होता है, है ना? अब बारी आती है कि इनको मेजर करना है. आपने देखे फिजिक्स लैब में इतने सारे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे जिसमें हमने बैटरी यूज की है, तो आप वहां पे एमीटर, वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं. अब क्वेश्चन ये आ रहा है, कैन आई यूज द सेम इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्सो? यानी कि मैं लैब में जो मीटर यूज कर रहा हूँ, क्या उसे घर में जो करंट आ रहा है उसमें भी उसी को यूज कर सकता हूँ या नहीं? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसका बेसिक फंडा क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है जिसपे उनकी वर्किंग बेस्ड होती है. तो याद आ रहा होगा आपको, आपने पहले भी पढ़ रखा है हमने, जब हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को डिटेल में पढ़ा था, और हमने क्या सीखा था, दैट व्हेनेवर अ करंट इज पासिंग थ्रू अ लूप व्हिच इज ऑलरेडी प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन इट स्टार्ट्स एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, और उसके बाद वो एंगुलर डिफ्लेक्शन दिखाता है जिसमें कैलिब्रेट करके हम बता सकते हैं कि जो निडल उसके साथ लगा है वो 1 पे रुकेगा, 2 पे रुकेगा या 3 पे रुकेगा. सो दोज इंस्ट्रूमेंट्स आर परफेक्ट टू यूज टू मेजर डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज. अब एसी में उसे यूज कर सकता हूं या नहीं, ये क्वेश्चन खड़ा हो गया हमारा. अब अगर मैंने एसी में उसे लगा दिया, तो अभी तो हमने देखा कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, डायग्राम में भी सीखा था, तो उस केस में जो निडल होगा वो तो बार बार ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, तो ये ऑसिलेट करता हमें दिखाई देगा
पहले तो इतना ही बताओ, फिर आगे चलता हूं मैं। ऑसिलेट करता हुआ ये नीडल दिखाई देगा या नहीं देगा? तो चलिए आपने गैस कर लिया होगा, ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम होगा वो हमारे परसिस्टेंस ऑफ विजन से ज्यादा हो चुका होगा। आई होप आपको परसिस्टेंस ऑफ विजन का टॉपिक क्लियर है। तो ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन वी कांट सी दैट नीडल इज शोइंग सम डिफ्लेक्शन व्हेन एसी करंट इज पासिंग थ्रू इट। पर मेजर तो करना है, अब मेजर कैसे करें? तो मेजर करने के लिए जो मुझे लगता है आप एक ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं कि फर्स्ट वी विल कन्वर्ट एसी इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग डीसी और फिर डीसी को मेजर कर लो, या फिर नए तरीके के इंस्ट्रूमेंट भी हम यूज कर सकते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट की हम कैटेगरी को बोलते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज वी नो फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट डायरेक्ट करंट हो या ऑल्टरनेटिंग करंट हो दोनों के दोनों ही हीट प्रोड्यूस करते हैं इन एसी सर्किट। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन यूज हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हुज वर्किंग इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्लियर हो गया? तो जो ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमीटर या वोल्टमीटर जो हम लैब में यूज करते हैं वो सिर्फ डीसी के लिए यूज होता है। एसी के लिए इंस्ट्रूमेंट की नई कैटेगरी हमने डाली है जिसको हम बोलते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, जिसका वर्किंग प्रिंसिपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहां तक भी हमें क्लियर हो गया है, ठीक है ना? अब आता है, अगर इस ग्राफ को मैं ध्यान से देखूं, दिस ग्राफ इज आई वर्सेस टी ग्राफ। अब अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो वो देगा मुझे इधर पॉजिटिव चार्ज और ये बिलो एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव चार्ज। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर दिस कंप्लीट साइकिल वो कितना होगा? अब आप बोलेंगे सर एवरेज वैल्यू तो हमने कभी पढ़ी नहीं, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो डायरेक्ट करंट जब होता है तो उसमें हम सीधा सीधा कह देते हैं कि 1 एम्पीयर का करंट चल रहा है, 2 एम्पीयर का करंट चल रहा है, इट मेक्स सेंस ऑल्सो। बट इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, इफ आई एम सेइंग दैट 5 एम्पीयर ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू इट, अब तो मुझसे पूछ लेंगे कि सर 5 एम्पीयर कौन सा है, बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स वैल्यू, वैल्यू तो हमेशा डिफरेंट है, तो आपने 5 एम्पीयर कैसे कह दिया, है ना? आपने देखा होगा, देखो घर में जो आपके मीटर लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसकी वजह से, तो उसमें भी देखो करंट की एक फिक्स वैल्यू आती है, एक नंबर आता है, बट हमें तो लग रहा है कि वो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि बार बार चेंज होता रहता है, तो कौन सी वैल्यू है जो हमें बता रहा है? तो इसीलिए टू मेक आर स्टडी ईजियर फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट वी आर इंट्रोड्यूसिंग 2 new terms, फर्स्ट इज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड सेकेंड इज रूट मीन स्क्वायर। इनके ऊपर बेस्ड 3 marker या 2 marker का क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले 2 marker का क्वेश्चन करा रहा हूं, वो ये कि आखिर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल किसी भी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में कितनी होगी, ये 2 marker का क्वेश्चन है, ठीक है? तो सबसे पहले वो करते हैं, वी हैव टू शो दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज, देखिए क्वेश्चन इनकम्प्लीट करा हुआ है क्योंकि मुझे मालूम है जहां पे मैं यहां पे पहले लिख दूंगा तो आप ये पहले ही निकाल देंगे, तो पहले हम निकाल के देखते हैं आंसर क्या है, उसके बाद में उसको फिल करेंगे, ठीक है? तो अब मैं मान रहा हूं दैट इन एनी सर्किट देयर ऑल्टरनेटिंग करंट इज पासिंग। अब अगर मैंने आपसे पूछा होता बेटा अगर डीसी सर्किट में आई अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड देन चार्ज कैसे निकालेंगे, तो आप सीधा सीधा बता देंगे सर क्यू इज इक्वल टू आई इनटू टी, बट कैन आई अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट सेम फॉर्मूला इन एसी सर्किट ऑल्सो? अब बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि यहां पर करंट इट चेंजेस इट्स वैल्यू, इसलिए यहां पर सीधा सीधा आई इनटू टी करके मैं अपना चार्ज नहीं निकाल सकता हूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा। सो आई एम कंसिडरिंग फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डीटी योर करंट इज हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू जिसको हमने आई बोल दिया है, ठीक है? हाउएवर जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, अभी मैंने लिखा था देखिए थोड़ी देर पहले, वो होता है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है? तो अब मैं लिख रहा हूं द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज पासिंग थ्रू अ सर्किट इन टाइम इंटरवल डीटी, वो कितना हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डीटी, आई की वैल्यू हमें पता है इसलिए अब ये बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डीटी। अब मुझे नेट चार्ज निकालना है, तो नेट चार्ज निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं और ये बन जाएगा आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डीटी। क्वेश्चन आता है लिमिट क्या होगी, तो लिमिट हमें बोला गया कि कंप्लीट साइकिल है इसीलिए इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to T। अब इंटीग्रेशन में तो मास्टर है, तो जल्दी से ये इंटीग्रेशन मुझसे पहले करिए और बताइएगा कमेंट बॉक्स में डाल के कि आपका आंसर मुझसे पहले आ गया था, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका पहला स्टेप आएगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड ओमेगा विद अ नेगेटिव साइन, ये आपने लिमिट्स डाल दी है। उसके बाद में इस ओमेगा की जगह 2π/T यूज कर रहा हूं, तो ये जाएगा 2π/T कैपिटल टी एज इट इज कॉस, ये बन जाएगा पूरा कॉस 0 डिग्री, ये बचेगा कॉस 2π, कॉस 2π की वैल्यू होती है 1,
हो जाएगा 1 माइनस 1, तो Q की वैल्यू होगी 0. I average जो हमें निकालना है वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय T, कौन सा कंप्लीट साइकिल वाला, तो Q तो 0 था, इसका मतलब I average भी आपका 0 आ गया है. तो यहां पर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 0 ही प्रूफ करना था हमें. पर हम जो पढ़ते हैं वो हाफ साइकिल पे पढ़ते हैं, तो जो भी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आएगी वो हाफ साइकिल पे पढ़ी जाती है, क्योंकि हाफ साइकिल पे आप देखेंगे कि आपका आंसर नॉन जीरो आएगा. और यही आपका आज का होमवर्क है कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है हाफ साइकिल के, ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, सिर्फ आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से टी बाई टू. तो जब आप यहां से 0 से टी बाई टू करेंगे यू विल गेट कि क्यू का आंसर एक नॉन जीरो आ रहा होगा, फिर वो नॉन जीरो क्यू जो होगा वो यहां पे डाल दीजिएगा. उस जगह इस टी की जगह आप टी बाय टू लेना मत भूलेगा, क्योंकि आप इंटीग्रेशन करेंगे हाफ साइकिल के लिए. तो ये हमारा 2 marker क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल, क्योंकि कंप्लीट साइकिल में हमने देख लिया वो जीरो आता है. एंड अनदर टॉपिक होगा रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल. अब जब बारी आती है रूट मीन स्क्वायर निकालने की, उसका कॉन्सेप्ट निकलता है हीटिंग इफेक्ट पे, और हीटिंग इफेक्ट डीसी हो या एसी हो, इलेक्ट्रॉन आगे चल रहा हो या पीछे चल रहा हो, वो हीटिंग इफेक्ट वापस नहीं होती है. हीटिंग इफेक्ट हीट एनर्जी वो सिर्फ निकलेगी ही निकलेगी, इसलिए जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड IRMS हम निकालेंगे वो फुल साइकिल पे निकालेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और मेरा होमवर्क करना मत भूलिएगा. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप अप्लाइंग फिजिक्स इन योर डेली लाइफ. जय हिंद, जय भारत.